वॉचिंग साड़ी गड्डी। आज हम लोग आए ब्रह्मा जी की नगरी। जी हाँ पुष्कर, और आज सुबह से हमने आपको काफी खाने पीने के आइटम ऑलरेडी दिखा दिए हैं। सबसे पहले हमने दिखाया आपको पोहे, उसके बाद हमने दिखाया लाफा, और आज शाम का जो हमारा डिनर होने वाला है, आज शाम का जो हमारा स्नैक होने वाला है, इवनिंग स्नैक, वो होने वाला है ये लाला जी के पराठे। अगर आप एक बार मेन्यू देखेंगे तो आलू पराठा 70 रुपये का है, जो सबसे मिनिमम है, और बढ़ते बढ़ते वो जाता है यहाँ पे बनाना न्यूट्रेला पराठा 150 रुपये। आप वैरायटी देख रहे हो ना, कितनी गजब और कितनी अजीब है। एक बार लाला जी से पूछते हैं, गाना सुन रहे हो ना आप? लाला जी क्या हाल है आपके, स्मार्ट लग रहे हो। तो आपकी उम्र कितनी है सबसे पहले तो? 45 साल। क्या बात है, स्मार्टनेस अलग से दिख रही है। और कौन कौन से पराठे आप बनाते हो और कितने बजे से चालू करते हो? 7 बजे लगाते हैं। चीज है, चीज ऑनियन, चीज टमाटर, चीज चीजें, मिक्स वेज, पटाखे पराठा, न्यूटेला पराठा। न्यूटेला पराठा भी है? आलू आलू प्याज का पराठा। तो जो यहाँ पे फॉरनर्स आते हैं, जो इसराइलीज आते हैं, उन्हें क्या पसंद आता है? वो भी खाते हैं, न्यूटेला है और पनीर का पराठा है, चीज टमाटो है, चीज चीनी है। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं आपके स्टॉल के? 12 बजे तक रात को। और लगाते कब हो? 7 बजे से 12 बजे तक। 7 बजे से 12 बजे तक। तो जो लोग बाहर से आते हैं, जो हमारे देश के बाहर से आते हैं, उन लोगों को कौन सा पराठा सबसे ज्यादा पसंद आता है? यही आते हैं, बनाते हैं, यही पसंद। मतलब आपने उन्हें देसी में ढाली दिया? ढाली। अरे बढ़िया। आप हमें कौन सा रिकमेंड करोगे सबसे बढ़िया पराठा? सबसे बढ़िया खिलाएंगे आपको, सबसे बढ़िया खिलाओगे। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। ऋषभ देखते हैं कैसे बनता है हमारा पराठा, खाओगे जब मालूम पड़ेगी आपको। अच्छा ये हमारे लिए ये पराठा बना रहे हैं, कौन सा पराठा है ये? ये प्याज का है, सेब का है, टमाटर का है। प्याज, सेब, टमाटर, सेम मतलब एप्पल, बीकानेरी भुजिया। अच्छा बीकानेरी भुजिया, तो प्याज है इसके अंदर, बीकानेरी भुजिया और टमाटर का पराठा ये बना रहे हैं। घी कौन सा यूज़ करते हो आप? कृष्णा, कृष्णा का घी यूज़ करते हैं ये। और आप तवा देखिए, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल तवा है, और बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पराठे, क्रिस्पी क्रिस्पी ये बना के हमें दे रहे हैं। ये गाइस इनका पूरा सेटअप है, यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूटेला रखा हुआ है, मशरूम है, कॉर्न है, यहाँ पर पराठे बनाते हैं, और वहाँ पर रखा हुआ है आलू का बढ़िया सा मिक्सचर। स्पाइसी खाओगे के कम स्पाइसी? नहीं, मीडियम स्पाइसी करना। तो ये हमारा बन रहा है पराठा दूसरे वाला, इसके अंदर डाली है भैया ने खूब सारी प्याज, क्या बात है। धनिया ना भैया थोड़ा कम रखना, धनिया डालोगे नहीं? हाँ डालो ही मत, एक काम करो। कौन कौन सी सब्जी है ऋषभ? सब्जियाँ इसमें अंदर अभी डले हैं, टमाटर, मिर्ची, टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर और अदरक, और ऊपर से डाली है उन्होंने बीकानेरी भुजिया, क्या बात है। थोड़े से आलू और खूब सारा पनीर। लाल जी पराठा कितने रुपए का है? 150 रुपये। 150 रुपये का? तो ऐसा नहीं है, माल नहीं डाला जा रहा, माल खूब डाला जा रहा है इसके अंदर पनीर के ऊपर। इन्होंने चीज़ डाला है खूब सारा, मसाले कौन कौन से मसाले हैं? काली मिर्ची है, लाल मिर्ची है, गरम मसाला, काला नमक, और काला नमक। तो मतलब जितना आटा इन्होंने लगाया नहीं उससे ज़्यादा तो इन्होंने माल ऊपर डाल दिया है, आटा तो दिख ही नहीं रहा। अब हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार है पराठा बनने के लिए। लाल जी कितने बंदे खा लेते हैं एक पराठा? एक पराठा दो जने खाते हैं। दो जने? तो एक पराठा हमारा वो रखा और एक पराठा ये हमारा बन रहा है, और बनाने का स्टाइल देखिए। हाँ कौन सा भाई? कौन एकदम अलग। आलू पराठा रेडी? हाँ रेडी है। मैं भी अपनी मम्मी को बोला करता हूँ कि ज़्यादा माल भरो, ज़्यादा माल भरो, आटा कम लगाओ, लेकिन मम्मी बोलती है पराठा फट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, माल भरपूर है और पराठा एकदम साबुत। एक रेडी हो गया, अब ये दूसरा जा रहा है। ओ कौन सा खिलाऊं भैया आपको, आलू भी खिलाऊं? आलू का खिलाना। अच्छा पराठे को भी पिज्ज़ा की तरह काटा जा रहा है, और छोटे छोटे उसके पीसेस कर दिए हैं ताकि खाने में आसानी हो। चटनी कौन सी है लाल जी? लहसुन का, लहसुन का, लहसुन की चटनी, पुदीना का, और साथ में देते हैं पुदीने की चटनी। वैसे राजस्थान में लहसुन का बड़ा यूज होता है ना? और ये क्या है? दही, लावानी। अरे बढ़िया। कौन सी है? लावानी, लावानी दही, लावानी दही चटनी, और साथ में प्याज, हल्की सी काली मिर्च और नमक। कोई नहीं, अभी पराठा लेते हैं हम अपना पूरा, दोनों पराठे। और ये वाला कौन सा दिया आपने? ये कितने का है?
70 रुपए का पराठा है। तो ये गाइस शाम को 6:30 से 7 बजे के करीब लगाते हैं यहाँ पे पुष्कर मेन मार्केट में आपको मिल जाएंगे लाला जी पराठे वाले। तो आप अगर पुष्कर आए तो ट्राई कर सकते हैं। अब हम भी ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो ये है हमारा पराठा, प्याज टमाटर और बीकानेरी सेव का, काफ़ी क्रंची पराठा है। लाला जी ने खूब क्रिस्पी इसे कर दिया है। और ये है हमारा पिज्ज़ा पराठा, इसके अंदर खूब सारा पनीर भी डाला है, चीज़ भी डाला है। आप क्वांटिटी देख सकते हो, ये 70 का है, ये 150 का है। चलो आप ट्राई करते हैं, मैं ये वाला करता हूँ 70 वाला, क्योंकि प्रियंका ने तो पहले ही माल पकड़ लिया। जैसे ही मैंने रखा वैसे ही प्रियंका ने ऐसे उठा लिया। काफ़ी क्रिस्पी है और छोटे छोटे बाइट तोड़ने की टेंशन ही नहीं है। लगाओ और खाओ। सबसे पहले ये वाइट दही, सबसे पहले मैं अभी दही के साथ खाता हूँ और हल्की सी पुदीने की चटनी। गार्लिक सॉस दही में, गार्लिक सॉस का काफी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। नमक इन्होंने और प्याज इसको और भी बढ़िया, गार्लिक और लहसुन डालो है। मैं घर पे आके ये बनाने वाली हूँ। जो लाल वाली चटनी है ना, ये बिल्कुल ना मोमोज के साथ चटनी जो मिलती है वो उसके जैसी है। तो इसके साथ पिज्ज़ा पराठा ज़्यादा मस्त लगेगा, क्या बोलती है? पराठे में आटे का फ्लेवर कम और बहुत सारे फ्लेवर ज़्यादा आ रहे हैं, इस चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है भाई। ये पराठा तो बहुत गजब है ना। मे बी बिकॉज ये गर्म है इसलिए भी, और ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे अच्छे फ्लेवर, इसमें अंदर माल है भाई, इसके अंदर ऐसा ज़्यादा माल नहीं भरा हुआ। तो प्राइस के हिसाब से ना चीज़ का भी फ़र्क पड़ रहा है। मैंने पहले ये खाया तो मुझे अच्छा लगा, उसके बाद ये खाया तो ये फीका फीका लग रहा है। ज़्यादा लगा, अच्छा लगा। ग्रीन चटनी से ट्राई करते हैं। ये है पुदीने की चटनी हरी, हल्का सा खट्टा, फीका नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल घर जैसी चटनी है, बिल्कुल घर जैसी। तो लाले जी बढ़िया लगे हमें पराठे, एक नंबर वाला बढ़िया लगे आप जी? ये 70 रुपए वाला, ये आपकी पसंद है। तो देखो एक बार हमारे वाला कैसे बना था, वो लाला जी ने पहले से बना के रखा था। तो इसके अंदर हल्का सा आलू है, प्याज डाली है, खूब सारी टमाटर है और बीकानेरी सेब, लाल मिर्च। वो तो मसाले तो लाला जी एकदम जेन्युइन डाल ही रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, इसमें भी खूब माल भरा हुआ है आपने। अच्छा, कम तो लगाते नहीं, मतलब ऐसा हो कस्टमर एक बार खाए तो बार बार आए। अच्छा, नहीं पहले मैंने रेट पढ़े थे तो 150 रुपए का पराठा मुझे एक्सपेंसिव लग रहा था कि चलो 150 रुपए में ऐसा कैसा पराठा लाला जी दे देंगे, पर है पराठे में चीज डली हुई है, बहुत ज्यादा है। ये 70 वाला एक पराठा एक बंदा खा लेगा, कोई इशू नहीं है, बट ये नहीं, ये पॉसिबल खाना भाई। हाँ तू भी खा लाला जी की पसंद। पतला है, थिन है यार, इसके तो अलग फ्लेवर्स हैं, इसके इंडियन फ्लेवर्स हैं, ये इटालियन फ्लेवर्स हैं, ये काफी चटपटा है ना ऋषु। देखो तो यार ये बड़ा गजब सा लगा, मेरे दोनों काफी अलग लगे। मैं आपको 150 वाला खोल के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो पनीर और चीज़ कितना है इसके अंदर भरा हुआ है, आलू है, प्याज है, टमाटर है हल्का हल्का, और ऊपर से बिल्कुल मस्त इन्होंने करा हुआ है इस पराठे को, सही घी में सेका हुआ है। घी के पराठों का ना स्वाद ही अलग होता है भाई, उसका मज़ा अलग है। पिज्ज़ा पराठा लाला जी का मज़ा आ गया सुबह से, एक नंबर है। अगर आप कभी पुष्कर साइड आ रहे हो और आपने अगर ये नहीं खाया ना तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा आएगा पर आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। एग्जैक्टली, और जो जो हमने सारी जो जो हमने आप लोगों को दिखाए हैं पिछली वीडियोज में भी और ये भी, ज़रूर खाना, ट्रस्ट मी आप लोग उंगलियाँ चाटते रहे। और हम भी दो जने काम करते हैं और मेहनत करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं, खाते हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए खाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने जो भी आसपास के दोस्त हैं उन, जो भी पुष्कर आने वाले हैं या आप आने वाले हो, तो प्लीज़ उनसे शेयर करो।